हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। उसमें सबसे पहला है, जो बच्चे प्रमोट हुए हैं वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो उनको अब क्या करना है, उनके लिए क्या सही होगा वो मैं बताने वाला हूँ। दूसरा है, जो नए सत्र के हमारे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसकी लास्ट डेट क्या है, कब से मेरिट लिस्ट लगेगी। इसके आगे जो हमारे एमए और एमकॉम उनके जो कुछ वाइवा होने हैं, तो वाइवा की डेट कुछ की डिक्लेयर कर दी गई है, कुछ की डिक्लेयर होने वाली है, तो उसके बारे में भी मैं आज आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और भी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन के लिए है वो भी मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है तो उसके लिए मैं अब वीडियो अपलोड करता हूँ इसी चैनल पर। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे यूजी के एडमिशन चल रहे हैं, तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटी ने डेट को बढ़ा दिया था, जो पहले हमारी डेट 15 तारीख थी अब उसको 21 तारीख कर दिया था। 21 तारीख तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 21 तारीख के बाद में जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो 25 के आसपास में हमारी मेरिट लिस्ट लगना शुरू हो जाएंगी एडमिशन के लिए, और 21 तारीख के बाद में आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अब जो चांस है वो बिल्कुल ये मान लीजिए 1% चांस भी नहीं है कि डेट आगे बढ़े। तो जितने जल्द से जल्द हो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए यदि आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में, यूजी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द से करा लीजिए। और साथियों, यदि आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के 2020-21 के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो वहां पर जाकर एक बार अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लीजिए। आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आ सकती है। तो अभी तक इसका हजारों लाखों बच्चे फायदा उठा चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी यहां पर जाकर एक बार अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। आगे है साथियों, जो बच्चे अपने डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन के लिए परेशान हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है, ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। आप ऑनलाइन ही अपनी फीस जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन ही उनको पा सकते हैं। अपने रोल नंबर से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको अगर एक्स्ट्रा जरूरत है तो आप उसको यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर सकते हैं, या आपके घर पर कोरियर भी आ जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूनिवर्सिटी की साइट पर जाना है। यूनिवर्सिटी की साइट पर जाने के बाद में एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन है, वहां पे हेल्प डेस्क पे जाएंगे और अपना अपना जो भी आपको चाहिए होगा उसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। उसके बाद में आपकी इंफॉर्मेशन फिल होने के बाद में एक आपका है अर्जेंट में और एक आपका है कि नॉर्मल। तो यदि आप अर्जेंट में करते हैं तो 3 से 4 दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा, यदि आपको नॉर्मल है तो वो आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा। तो उसके लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे है जो हमारे एमए और एमकॉम फाइनल ईयर के एग्जाम हुए हैं, उसमें एक हमारा वाइवा होता है, तो उसके लिए बच्चे परेशान है कि हमारा वाइवा कब होगा, वाइवा की डेट कब आएगी। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, वाइवा के लिए जो एमकॉम है उसके लिए सेंटर डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो अलग अलग सेंटर बनाए हैं अलग अलग जिले में, तो उसकी लिस्ट मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डाल दी है, वहां से आप देख सकते हैं। और आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर वहां से भी आप देख सकते हैं, और एमए की भी बहुत जल्द डिक्लेयर कर दी जाएगी। अब बात आती है डेट की, तो डेट आपको जो मिलेगी वो सेंटर से मिलेगी, आपको जो डेट मिलेगी वो सेंटर से मिलेगी। तो अपने सेंटर पर पहले चेक कीजिए आपका सेंटर कहां पर है, फिर वहां से संपर्क कीजिएगा आपकी डेट क्या रहने वाली है। तो बहुत ही जल्द एमए की भी आने वाली है, हो सकता है आज आ जाए या कल आ जाए, जैसे ही आएगी तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। इससे आगे है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे इस बार प्रमोट हुए हैं उसमें जो हमारे बीपीटी वाले हैं, नर्सिंग वाले हैं, या और कोर्सेज की मैं बात करूं, तो उन बच्चों को फर्स्ट ईयर में पास है, सेकंड ईयर में पास है, थर्ड ईयर में फेल कर दिया गया है, या फर्स्ट ईयर में पास है सेकंड ईयर में फेल कर दिया गया है, तो अब वो बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं। और परेशान होने वाली बात भी है कि उनको फर्स्ट ईयर क्लियर है, सेकंड ईयर क्लियर है और थर्ड ईयर में फेल कर दिया गया है। तो अब उसके लिए यूनिवर्सिटी में जब 2 से 3 दिन से पूरे तरीके से हंगामा चल रहा है, यूनिवर्सिटी पे सब सारी चीजें चल रही हैं, तो अब यूनिवर्सिटी ने विचार बनाया है कि जैसे ही ये हमारे रेगुलर के एग्जाम चल रहे हैं, ये एग्जाम खत्म होते हैं, तो जो बच्चों को प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि हम पास हो सकते हैं या हम प्रमोट के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, पास हो गए हैं, उनके मार्क्स
मार्क्स, उन्हें लगता है कि हम इन मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो उनके एग्जाम कराने के विचार में है यूनिवर्सिटी। हो सकता है जैसे ही ये एग्जाम खत्म हो तो आपके अक्टूबर में आपको एग्जाम दे, आप अक्टूबर में एग्जाम दे सकते हैं जो बच्चे चाहते हैं एग्जाम देना। तो जो बच्चे प्रमोट हुए हैं और प्रमोट के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वो बच्चे ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी इस पर विचार कर रही है कि उनको क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, तो हो सकता है उनके एग्जाम कराए जाए। तो अपनी तैयारी कर लीजिए, अपनी तैयारी में रहिए। जो आप अगर संतुष्ट नहीं है तो आप अपना एग्जाम दीजिएगा, जो आपके मार्क्स आएंगे वही आपके मार्क्स फिर अपडेट हो जाएगा, आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया जाएगा। तो साथियों जैसे ही कोई और अपडेट आती है तो उसके साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।